तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर होने वाली है कुछ अमेजिंग और ऑसम सी मूवीज रिलीज, जिसका शायद मैं ही नहीं हम सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉप 10 अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्या पता इस लिस्ट में आपकी भी कोई मनपसंद मूवी निकल आए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जिस भी मूवी की रिलीज डेट बताई है, क्या पता वो इस वीडियो के आने तक पोस्टपोन हो गई हो हॉलीवुड में एक्टर्स और राइटर्स की स्ट्राइक के चलते। तो कृपया करके कमेंट्स में होशियार ना बने। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ पीयूष और आपका स्वागत है वीबी टॉकर। नंबर 10, क्रेवन द हंटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, जो कि रिलीज होगी 6 अक्टूबर 2023 को। इस रोल को कोई और नहीं, हमारे क्विक सिल्वर भैया ही प्ले कर रहे हैं, यानी एरन टेलर, जिन्होंने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर का किरदार निभाया था। बेसिकली इस मूवी में एक हंटर होते हैं जो कि अपनी स्किल्स को प्रूव करके दुनिया का सबसे बेस्ट हंटर बनना चाहता है। लेकिन इसके ट्रेलर को देखकर लगता है कि कॉमिक्स से इसे थोड़ा अलग दिखाया गया है, क्योंकि जहाँ पर कॉमिक्स में ये जानवरों का शिकार करता है, वहीं पर दूसरी तरफ इसके ट्रेलर में देखकर ये पता चलता है कि ये एनिमल्स से प्यार करता है। अब देखते हैं कि सोनी वाले इस मूवी में हमें क्या दिखाते हैं। नंबर 9, सो 10। जी हाँ, सो का 10वां पार्ट आने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही लंबी फ्रेंचाइजी है जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है और लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि इन मूवीज में जो वायलेंस दिखाया जाता है वो एकदम फाड़ लेवल का होता है, जो कि हर किसी के देखना बस की नहीं होता। ये मूवी इतनी डिस्टर्बिंग होती थी कि इन्हें थिएटर्स में ज्यादा कोई देखने गया ही नहीं, जिस वजह से इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ज्यादा खास नहीं रहा। सो मूवी जानी ही जाती है कि क्रिमिनल्स के लिए मौत बद से बदतर कैसे बनाया जाए। कुछ टाइम पहले इसका ट्रेलर भी आ चुका है जो कि सो सैडली हिंदी में नहीं था, लेकिन इसमें अभी भी सो के और दूसरे पार्ट जैसे ओल्ड वाइब्स आ रही है। और इस मूवी में जिग सो का भी रिटर्न हो रहा है। जी हाँ, जिस बूढ़े आदमी को हमने कई बार सो फ्रेंचाइजी में देखा है, देखते हैं सो का ये 10वां पार्ट बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाता है या नहीं। और ये रिलीज होगी 29 सितंबर 2023 में। नंबर 8, दी मार्वल्स। तो इस मूवी में हमें 3 सुपर हीरोज दिखने वाले हैं। जी हाँ, हमारी कमाला खान एज मिस मार्वल, मोनिका रेम्बियो एज फोटोन, कैरल डेनवर्स एज कैप्टन मार्वल। देखते हैं इस मूवी में तीनों मिलकर क्या खिचड़ी पकाने वाली है। इसका ट्रेलर भी मुझे ठीक ठाक ही लगा, ज्यादा खास नहीं था। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 10 नवंबर 2023 को। अब बात करते हैं क्या ये मूवी सक्सेसफुल होगी या नहीं, क्योंकि अभी मार्वल की रिसेंटली मूवीज या टीवी सीरीज देखी जाए तो उन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर्स और क्रिटिक्स का कहना है कि मार्वल वाले हर मूवी में सेम प्लॉट को यूज करते हैं। अब देखना ये है कि द मार्वल्स मूवी मार्वल वालों के लिए एक डिजास्टर साबित होती है या एक अपॉर्चुनिटी। वैसे इसकी हाइप को देखकर लगता नहीं कि ये भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा खास कमाल कर पाएगी। नंबर 7, एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। ये रिलीज होने वाली है 20 दिसंबर 2023 को। अब डीसी यूनिवर्स का पास्ट देखते हुए लगता तो नहीं कि ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल कर पाएगी, क्योंकि हाल ही में रिलीज होने वाली ब्लू बीटल भी बहुत बुरे तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी है। और इससे पहले रिलीज होने वाली द फ्लैश भी बुरे तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। भले ही दोनों मूवीज बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों ही बुरे तरीके से पिट चुकी हैं। यहाँ तक कि फ्लैश मूवी तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज में से एक बन चुकी है। अब देखते हैं एक्वामैन 2 डीसी के वजूद को बचा पाती है या नहीं। अब इसके बाद शायद डीसी फिर पूरे तरीके से चेंज हो ही जाएगा। नंबर 6, नन 2, जो कि रिलीज होने वाली है 7 सितंबर 2023 को। ये मूवी कंजरिंग यूनिवर्स की 9th मूवी होने वाली है। और देखा जाए तो कंजरिंग यूनिवर्स एक बहुत ही सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जहाँ पर इसकी अभी लास्ट मूवी कंजरिंग 3 ने ही 204 मिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जो कि ज्यादा खास तो नहीं था, लेकिन अपने 39 मिलियन डॉलर्स के बजट में बनी हुई मूवी से इन्होंने रिकवर तो कर ही लिया। इसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज हुआ था, जो कि देखने में थोड़ा हॉरर वाली वाइब्स दे रहा है और दूसरी कंजरिंग मूवीज की तरह। और मैं कंजरिंग यूनिवर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। नंबर 5, रेबल मून। इसका ट्रेलर भी अभी कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुआ था, जो कि ना जाने क्यों मुझे ड्यून वाली वाइब्स दे रहा था और कुछ कुछ स्टार वॉर्स वाली भी, लेकिन ट्रेलर देखने में बहुत ही ऑसम था। ये मूवी रिलीज होने वाली है 22 दिसंबर 2023 को। और इस मूवी के डायरेक्टर और कोई नहीं, हमारे जैक स्नाइडर ही होंगे। ये मूवी नेटफ्लिक्स के अंडर बनी है। पहले इस मूवी का विजन लेकर अपने जैक स्नाइडर डिज्नी वालों के पास गए थे कि वो इस विजन को स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में दिखाना चाहते हैं, लेकिन अपने अलग अंदाज में उस मूवी को वो आर रेटेड बनाना चाहते थे, जिसकी परमिशन जैक स्नाइडर को डिज्नी वालों ने नहीं दी। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों को जैक स्नाइडर का ये विजन बहुत ही पसंद आया, इसलिए ये मूवी नेटफ्लिक्स के अंडर बन रही है। शायद डिज्नी वालों को आगे जाकर रियलाइज हो कि उन्होंने
ने कितनी बड़ी गलती की है जैक स्नाइडर के विजन को रिजेक्ट करके। ये प्रोबेबली एक फ्रेंचाइजी होने वाली है जिसके आगे जाकर और भी सीक्वल्स आएंगे। नंबर 4 ड्यून 2 जो कि रिलीज होगी 3 नवंबर 2023 को। इसका ट्रेलर एक मंथ पहले ही रिलीज हुआ था जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग था। अपनी फर्स्ट पार्ट की तरह ही ये मूवी भी मुझे बहुत ही इंटेंस लग रही है। अब जहां पर ड्यून 1 ने 402 मिलियन का बिजनेस किया था जो कि ठीक ठाक ही था, और इस मूवी की हाइप भी है क्योंकि ये मूवी एक बहुत ही गॉर्जियस से कॉन्सेप्ट में बनी है। अब हो सकता है कि रेबल मून और ड्यून 2 के बीच एक कड़ी टक्कर हो जाए थिएटर्स के अंदर। अब देखते हैं ड्यून 2 अपने फर्स्ट पार्ट की तरह ही ड्यून की कंसिस्टेंसी को बनाए रख पाती है या नहीं। नंबर 3 द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। तो ये एग्जॉर्सिस्ट फ्रेंचाइजी की 6th मूवी होने वाली है जो कि रिलीज होगी 13 अक्टूबर 2023 को। और इस मूवी में एलन ब्रिस्टिन वापस आ रही है इस मूवी फ्रेंचाइजी के फर्स्ट पार्ट एग्जॉर्सिस्ट मूवी से जो कि रिलीज हुई थी 1976 में। अब दो हॉरर जॉनरा की मूवीज एक साथ रिलीज होने वाली है, एक कंजरिंग यूनिवर्स से नन 2 और दूसरी एग्जॉर्सिस्ट यूनिवर्स से द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। तो देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी मूवी हॉरर होती है और कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बिजनेस कर पाती है। वैसे मुझे एग्जॉर्सिज्म का कंसेप्ट बहुत ही पसंद है, इसके फर्स्ट पार्ट से ही मैंने अब तक इसके सारे पार्ट देखे हैं, और एग्जॉर्सिज्म से जितनी भी रिलेटेड मूवीज होती है मैं सब देखता हूँ। तो आप बताना आपको एग्जॉर्सिज्म का कंसेप्ट कैसा लगता है। नंबर 2 जोकर फोलियो ड्यू। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो, ये एक फ्रेंच नेम है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है मैडनेस ऑफ 2, जो कि इस मूवी को जस्टिफाई भी करता है कि हमें इसमें हार्ली क्वीन जिसका रोल प्ले कर रही है लेडी गागा और हमारे वॉकिन फीनिक्स के जोकर के साथ हमें इन दोनों का पागलपन दिखाया जाएगा कि ये दोनों मिलकर पागलपन की सारी हदें पार कर सकते हैं और कितना बड़ा बवाल मचा सकते हैं। और ये रिलीज होगी 4 अक्टूबर 2024 को। ये इस लिस्ट में सबसे लेट रिलीज होने वाली मूवी है क्योंकि इस मूवी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग एक्साइटेड है वॉकिन फीनिक्स को जोकर के रोल में दोबारा से देखने के लिए, इसलिए इस मूवी को मैंने इस लिस्ट में रखा है। और भाई साहब डीसी वालों ने एक अच्छी कास्ट चुनी है हार्ली क्विन के लिए। लेडी गागा हार्ली क्विन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको इनकी सिन सिटी मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। इनकी एक्टिंग बहुत ही ऑसम है, तो मैं इस मूवी में लेडी गागा को एज हार्ली क्विन देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब देखना यह होगा कि वॉकिन फीनिक्स पहले की तरह हमारे दिल जीत पाएंगे इस मूवी में एक्टिंग से या नहीं। नंबर 1 डेडपूल 3 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जो कि रिलीज होगी 3 मई 2024 में। अब इस मूवी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ जो कि मेरा काम है। ह्यूग जैकमैन इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं एज वॉल्वरिन। इस मूवी में हमें डेडपूल और ह्यूग जैकमैन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट देखने को मिलेगी, और इस मूवी में हमें वॉल्वरिन के बहुत सारे वेरिएंट्स भी दिखाए जाएंगे। इसमें टीवीए भी इंक्लूड रहेगी। अब जैसा कि हमने डेडपूल 2 मूवी के लास्ट में देखा था कि डेडपूल टाइम ट्रैवल करता है, शायद वहीं से ये सारा सब कुछ शुरू होगा। अब यूमर्स तो ये भी है कि इसमें हमें पूरी एक्समैन भी देखने को मिल सकती है, अलग अलग यूनिवर्स देखने को मिल सकते हैं। अब भाई एमसीयू की असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो मुझे यही लगने लगी है जैसे इस मूवी के यूमर्स फैल रहे हैं। भाई इस मूवी के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें मल्टीवर्स, ह्यूग जैकमैन एज वॉल्वरिन, रैन रेनॉल्ड्स के डेडपूल का रिटर्न 6 साल बाद, तो इस मूवी के लिए कौन नहीं एक्साइटेड होगा। तो मुझे कमेंट्स में बताना आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।